कांटे ही कांटे हैं और जबरदस्त कांटे हैं, इन कांटों को छूते ही बहुत तेज से चुभता है। और यही नहीं, यहां से लेकर के पीछे जो बोर्ड पे आपको पुनहाना लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है वहां तक काटे हैं, और ये इसलिए हैं क्योंकि ये मेवात के पुनहाना में हरियाणा की सबसे कांटेदार लड़ाई हो रही है। कांटेदार इसलिए क्योंकि आज तक बीजेपी यहां कभी नहीं जीती, लेकिन इस बार बीजेपी ने एक विदेशों से करोड़ों की नौकरी छोड़ करके लौटी उम्मीदवार को उतार दिया है। और दूसरी ओर विपक्षी पार्टियां भी एकजुट हैं। हालांकि हम यही जानते आए हैं कि कांटों में हमेशा गुलाब खिलते हैं, लेकिन बीजेपी इस बार कांटों में कमल खिलाने की तैयारी में है। तो आइए चलते हैं पुनहाना की इस कांटेदार जमीन पर और देखते हैं इस जमीन का मौसम क्या है। एमए दिल्ली, एमए लंदन, एमए इटली, ये है नौक्षम चौधरी का परिचय। ये मेवात के पुनहाना से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। इनके बारे में मशहूर है कि 1 करोड़ का पैकेज छोड़ करके विदेशों का यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आई हुई हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जहाँ से बड़ी बड़ी जगहों से एमए करके लौटी हैं, अब इसके बाद इन्हें यहाँ से पुनहाना से राजनीति की बीए की परीक्षा पास करनी है। और कभी कभी ये जो राजनीति का ग्रेजुएशन होता है ये तमाम बड़ी पढ़ाइयों पर भारी पड़ जाता है, इसलिए ज़मीनी हकीकत क्या है हम उनके दफ्तर पहुंच चुके हैं, अंदर चल करके उनसे बात करके उसका अंदाज़ा लेते हैं। नौक्षम चौधरी, ये वो नाम है जो हरियाणा से लेकर के दिल्ली में जिसकी गूंज है, जिसके बारे में रोज़ नई बातें पता चल रही हैं। कोई बता रहा है कि करोड़ों का पैकेज छोड़ करके आई हैं, कोई बता रहा है कि 10 भाषाएं जानती हैं। तमाम बातें सुनकर के मैं दिल्ली से मेवात पहुंचा हूं, पुनहाना में हूं। और देखिए ये कैमरा अब जूम आउट होगा और हमको नौक्षम के साथ में पूरा परिवार नज़र आएगा। मामा जी हैं, नौक्षम की मौसी हैं, भाई हैं, पूरा परिवार है। और ये परिवार हमने इसलिए साथ में लिया है ताकि जितनी बातें मैं सुन रहा हूँ नौक्षम के बारे में सबकी तस्दीक हो जाए और ये मालूम पड़ जाए कोई बात झूठी तो नहीं सुन रहा हूँ। बिल्कुल, बेशक आज मेरे परिवार के सबसे मौजूदा सदस्य यहाँ मौजूद हैं। मैं चाहती हूँ जो आपने आज पूछना है, जिस जिस किस्म की भी बातें चल रही हैं आज आप खुलेआम पूछ लें। ये एक पूरा चर्चित माहौल है मेरे परिवार के साथ। बगल में मामा हैं, मौसी हैं, डर तो नहीं लग रहा आपको? नहीं, मेरे मित्र की तरह हैं दोनों। मेरे मित्र भी हैं, मेरे बुजुर्ग भी हैं, तो हमारा एक अटपटा सा रिश्ता है। पहले मुझे एक बात बताइए, जो आपके बारे में सबसे अधिक जो सुनाई पड़ रहा है वो ये सुनाई पड़ रहा है कि करोड़ों की नौकरी छोड़ के आप यहाँ पर आ गई, 85 लाख सालाना। ये शब्द कहते हुए एक बार सोचना पड़ता है 85 लाख कितने होते होंगे। यहाँ लोग क्या होता है कि नौकरी के लिए दुनिया छोड़ते हैं, आप नौकरी छोड़ के इस दुनिया में आ गई? ऐसा हुआ जी, जब इससे पहले का जो मेरा एक तराना था वो ये था कि आप विदेश में रहें, पढ़ें लिखें, उच्च तालीम शिक्षा लें और अपना रोज़गार का जो भी कर सकते हैं करें। तो मेरे पिताजी ने जिस किस्म से मुझे पढ़ाया, बाहर विदेश भेज दिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ाया, विदेश भेज दिया, और ये चाहते थे कि आप रोज़गार करें, मेहनत करें, बढ़ें, गगनचुंबी इमारतों में बैठें, बड़े बड़े मुल्कों में बैठें, दौरे करें, पढ़ाई लिखाई करें। तो जब ये मौका मेरे हाथ में आया तो मैं विदेश से यहाँ अपने माता पिता को मिलने आई थी। उस दौरान मैं कुछ नौकरियों को अप्लाई भी कर रही थी, इंटरव्यू भी दे रही थी, कुछ पेंडिंग चल रही थी, कुछ के ऑफर अब आए हैं, 4 दिन पहले भी कहीं से चिट्ठी आई है, अभी भी ऑफर आ रहे हैं, अभी ऑफर आया है कहीं से। और उसके साथ साथ मैं इंटरव्यूज भी दे रही थी, तो मेरे पास 27-28 दिन का टाइम था। तो मैंने कभी, राजनीति मेरा पहला मुद्दा नहीं था, ना है, मेरा मुद्दा कुछ और है। और जब मैं अपने मेरे पैतृक गांव में, मेरे पिताजी ने एक समारोह रखा था वालिद साहब ने, हम वहां गए तो वहां पर मुझे हमारे इलाके के लोगों ने नुमाइंदा चुना जी। और आपको एक मिनट रुकूंगा आपको, मौसी आपने ये नहीं कहा कि इतना पढ़ाया लिखाया इसी दिन के लिए था कि सब छोड़ छाड़ करके वापस लौट आओ? डांटा वाटा नहीं आपने? 85 लाख की नौकरी कोई छोड़ता है क्या? डांटा कैसे जाता है, जो बच्चों को, बच्चों की इच्छा है, सेवा करनी चाहते हैं अपने पैतृक गांव की तो अच्छी बात है। पढ़ाया लिखाया भी इसीलिए जाता है कि किसी के काम आ सके। तो मामा के अंदाज से लग रहा है आपने कुछ जरूर कहा होगा। नहीं, मैंने नहीं कुछ भी कहा, इनकी खुद की इच्छा थी, खुद की चाहिए, लोगों की
सेवा करनी है अपने मेवात को। इन्होंने जब देखा यहाँ कि बहुत बुरा हाल है, 70 साल से ऐसी के ऐसे ही पड़े हैं बेचारे, इन्होंने ठान ली कि मैंने कुछ ना कुछ करना अपने समाज के लिए, इसलिए इनको छोड़ दिया नौकरी। और देखिए अभी तो सारी जिज्ञासाएं, दूसरी जिज्ञासा ये है कि नौक्षम चौधरी 10 भाषाएं बोलती हैं, 10 भाषाएं, ये भी अपने आप में लग रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़ा तिलिस्म हो। मैं बचपन से ही जो भाषाओं पे मेरा कमांड रहा है वो नेचुरली रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप मुझे मेवाती एक्सेंट देंगे वो मैं एकदम पिकअप कर लेती हूँ, अगर आप मुझे पंजाबी एक्सेंट देंगे मैं वो पिकअप कर लेती हूँ, अगर आप मुझे उर्दू बताएंगे तो एक ये जो इजीली और एफर्टलेसली आता है इसमें बहुत ज़्यादा मुशक्कत। अगर नौक्षम मेवाती में ये कहना हो ज़्यादा सवाल ना पूछो तो कैसे बोलेंगे? ना पूछ रहे जालंड दे। अच्छा ये चेतावनी तो नहीं है ना? नहीं 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 नहीं, थोड़ी हमारी जो इधर की इलाके की भाषा है वो प्रेम मोहब्बत से भरी है, पर सुनाई ऐसे देती है, है थोड़ी प्रेम मोहब्बत से भरी हुई। अच्छा ये बताइए कि जिस सीट से आप लड़ रही हैं वो बड़ी मुश्किल सीट है, यहाँ पर कभी बीजेपी जीती नहीं है, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि विदेश से ला करके फंसा दिया गया नौक्षम को, ऐसी सीट है जहाँ कोई जीता वीता है नहीं। नहीं, ये पहली दफ़ा एक इतिहास बनेगा कि भाजपा पार्टी से पहले मुस्लिम कैंडिडेट जो मुस्लिम वोटर्स हैं जुड़ते नहीं थे, इसमें कोई शक नहीं है, पर आज का समीकरण बदल चुके हैं। नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे पिछले 5 सालों से जिस प्रकार से भाजपा पार्टी ने सरकार बनाई और जो काम किए, 5 साल बाद जो मुस्लिम वोटर्स हैं उन्हें समझ आ रहा है कि ये बहुत ज़रूरी है। जो इनकी नीतियाँ योजनाएं हमें पहले समझ नहीं आ रही थी आज वो समझ भी रहे हैं, सूझबूझ से उन्हें अपना भी रहे हैं, और आज उन्हें ये पता है कि अगर हमने अपना विकास और तरक्की किसी भी हाल में करनी है तो हमें भाजपा पार्टी से जुड़ना पड़ेगा। इस बार मेवात में कमल भी खिलेगा, विकास भी होगा और ये इतिहास बनेगा। और आप जब बात करती हैं तो उर्दू के शब्द बड़े आते हैं, अभी आपने अपने फादर के लिए वालिद शब्द का इस्तेमाल किया। जी, ये जानबूझ करके है? नहीं, ये देखिए एक कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स होते हैं, हम जब लैंग्वेजेस सीखते हैं तो आपका कैसा कमांड किसी लैंग्वेज पे है, कौन सा लफ्ज़ और कौन सी वोकैबुलरी आप किस वक्त यूज़ करते हैं, ये आपको अपने आप एक इंडिविजुअलिटी पे आप फ्रेम करते हैं। मनोहर लाल खट्टर सरकार का जो 5 साल का कामकाज रहा है यहाँ पर, वो आपके लिए क्या है, आपको आगे बढ़ा रहा है या वो एंटी इनकम्बेंसी वाला चक्कर है कि मनोहर लाल खट्टर ने ये नहीं किया वो नुकसान होगा? जो हमारे माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी की जो छवि है, ईमानदार छवि, पाक छवि, बेदाग, उसका जो एक दर्जा है और स्तर है उसको, वो एक ऐसा है कि कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो ये जो छवि है और जिस किस्म से उन्होंने विकास किया, और मेवात पे तो उन्होंने खासकर बहुत गंभीरता से गौर किया है, मेवात उनकी डोमेन में भी आता है। इतने हचके लगे हैं रास्ते हम लोग आए हैं, ये गड्ढा वो गड्ढा, आप कह रही मेवात पे गौर किया है। मैं इसमें एक वजह है, सरकार का काम होता है ग्रांट रिलीज करना, इस गांव में इतने पैसे की जरूरत है, पैसे दे दो, जो मौजूदा विधायक या रिप्रेजेंटेटिव हैं वो उनका इस्तेमाल लोगों के लिए ना करें या ना पहुंचाएं, इसमें सरकार की क्या गलती है? सरकार ऊपर से इधर इधर ये चीज़ों की ज़रूरत है, पानी की में ये ज़रूरत है, बिजली की ऐसे ज़रूरत है, ये सड़कें बनवानी, ये कॉन्ट्रैक्ट रहा, इतनी ग्रांट है, रिलीज़ कर दी। अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट दी, रिलीज़ कर दिया, पैसे ग्रांट मिल गई, उसका इस्तेमाल ना हो, लोगों तक ना पहुंचे, इसमें सरकार का क्या कसूर है? ये लोग नहीं कह रहे हैं कि इटली और लंदन कहां कहां से पढ़कर के आई है लड़की और यहां मेवात की गर्मी गर्मी में कहां ये टिक पाएगी? ये सवाल तो उठा ही रहे होंगे ना? वो उठा, 10 दिन उठा। 10 दिन सवाल पूरा उठा? मतलब सवाल मैंने ठीक पकड़ा था? उठा कि ये 27 साल की लड़की, विलायत से पढ़ी लड़की क्या कर लेगी। मैं आपको एक वो बताती हूँ तर्जुमा, एक अखबार ने मुझे कहा ये नाजुक सी लड़की राजनीति में क्या करेगी। नाजुक सी लड़की, जैसे उर्दू शायरी हो कोई यहाँ के किसी लोकल। 10 दिन बाद उसने बोला मेवात की तलवार अगर कोई नाम जाना जाएगा तो नौक्षम चौधरी के नाम से जाना जाएगा। पत्रकार कोई कवि कवि टाइप का पत्रकार था क्या? उन्होंने 15 दिन में ये तो मतलब वो डर नहीं है आपके अंदर? भाई साहब बैठे हैं बहुत देर से मैं देख रहा हूँ, आप बताइए कि बहन को ले लेकर के कहाँ कहाँ आप अभी तक गए और क्या रिस्पांस मिला आपको?
सभी गांव में जा रहे हैं और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और वो एक यूनिक सोशल इंजीनियरिंग टाइप को एक्सपेरिमेंट कर रही है। बहन से डांट नहीं मिल रही है कि ठीक से प्रचार नहीं कर रहे हो, ये सब हुआ कि नहीं अभी तक एक बार भी? हम कहते हैं उसे आप ठीक से नहीं कर रहे हो। अच्छा, आप उल्टा बोल रहे हो, आप ज्यादा समय लगा रहे हो, कम लगा रहे हो। डेमोक्रेटिक है, सुन लेती है, सुन लेती है, डेमोक्रेटिक है, बिल्कुल, शी इज वेरी डेमोक्रेटिक। विदेश से लौटे लोग भी डेमोक्रेटिक होते हैं जी, बेशक हिंदुस्तान इंडिया का वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है। रिफाइंड डेमोक्रेटिक, मतलब रिफाइंड का मतलब ये तो नहीं है कि समय देख के डेमोक्रेटिक? नो नो नो, इट इज रिफाइंड, क्योंकि आप जानती हैं विदेशों में कैसा डेमोक्रेसी होती है, पढ़े लिखे। अच्छा, ये बताइए, बड़ा आपके बारे में ये भी है कि बड़ी कूटनीतिक काम आप कर रही हैं, यहाँ पर कोई भी कंट्रोवर्सी वाले मुद्दे आप नहीं छू रही हैं, 370 का जिक्र आप नहीं करती हैं, ट्रिपल तलाक का जिक्र आप नहीं करती हैं, क्यों नहीं करती हैं? पहली बात तो ये सबसे डेलिकेट और सेंसिटिव एरिया है पूरे हरियाणा में जहाँ पे ये चुनाव हो रहे हैं। दूसरी बात, ये एक ऐसा इलाका है जहाँ से मुस्लिम वोटर्स कभी भाजपा पार्टी से नहीं जुड़े हैं। आज के दिन भी आपको ये बात, आप ज़रा एक सर्वे भी रखिएगा, भाजपा पार्टी को कम वोट मिल रहे हैं, अपनी बेटी को ज़्यादा वोट मिल, मतलब यहाँ नौक्षम चौधरी को वोट मिल रहे हैं। वो नहीं कहती, पर एक उनका, क्योंकि उन्होंने खुद मुझे नुमाइंदा चुना है ना, मैं उनका खुद का चुना हुआ हूँ, खुद उन्होंने मुझे आगे किया है, खुद सलाह मशवरे से आगे किया है, खुद हौसले समर्थन से आगे किया है, तो मैं उनका चुना हुआ हूँ। तो वो सारे मुद्दे आपके लिए यहाँ कोई मुद्दे नहीं है? यहाँ पे ना राजनीति किसी और स्तर पे चलती है, यहाँ पे पारंपरिक राजनीति है, यहाँ पे हिंदू मुसलमान का विवाद ही नहीं हुआ है कभी, वो इतने प्रेम मोहब्बत से रहते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम का कोई ऐसा दंगा ही नहीं सामने आते हैं। यहाँ पे मसले क्या हैं? मसले ये हैं कि झूठे सच्चे मुकदमे करा दो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान है, सब पे हो रहे हैं, सब पे हो रहे हैं, और जो मुस्लिम लीडर्स रहे यहाँ तक, मुसलमान ही दुखी हैं उनसे। पर एक बात और यहाँ पे मैं रखना चाहती हूँ कि जब तक मैं सीखूंगी नहीं, किसी दर को आप किसी की चीज़ की आप शुरुआत नहीं करेंगे तो आप सीखेंगे क्या? आज मेरा ये पहला कदम है, दुआओं के साथ, आशीर्वाद के साथ, सही गाइडेंस और मार्गदर्शन के साथ मैं सीख रही हूँ। आपका नौक्षम शब्द का अर्थ क्या हुआ? बड़ा ही शुद्ध हिंदी का शब्द है, क्षमा करना। क्षमा करना जी। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि आप कुछ कर नहीं पाएंगे, उनको आप क्षमा कर दिया? मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, इलाके के लोग हैं, मौजूद लोग हैं सब उनके। आपने बड़ी शानदार उर्दू का प्रयोग किया, मौजूद लोग मौजूद हैं हमारे इलाके की शान और शौकत हैं, मेवात की शान है जब मेवात की राजनीति के नाम लिए जाते हैं। तो जैसे चौधरी एजाज अख्तर साहब हैं मेरे साथ आज समर्थन दे रहे हैं, हाजी अख्तर साहब हैं, बड़े नाम हैं मेवात की राजनीति पे, इन दो भाइयों का बहुत ऊंचा स्तर है, जिस किस्म से समर्थन दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, जो भी, चाहे वो तीनों विधानसभा में, बहुत दिग्गज नाम हैं ये, बहुत इनकी इलाके में। पहला ऐसा चुनाव देख रहा हूँ कि जहाँ पर एक दल की प्रत्याशी दूसरे दल की प्रत्याशी को बोल रही हैं कि वो बड़ी, हमें उनकी इज्जत करती हूँ, बड़े वो एहतराम करती हूँ, बड़ी आमतौर पे बड़ी खांटी अदावत होती है आमतौर पे, मैं भी उर्दू बोल रहा हूँ, अब अदावत होती है, लेकिन आप बहुत एहतराम कर रही हैं। उसकी वजह है ना जी, देखिए जो आपके बुजुर्ग हैं, चाहे वो आपके साथ खिलाफत में रणनीति में खड़े हैं, चाहे आपके साथ खड़े हैं, एक इज्जत मान वैसे भी ओहदा है, और अगर वो मेरे को अपनी इतना इज्जत मान रख रहे हैं, बेटी बता रहे हैं, तो मेरी बेटी होने के नाते फर्ज है, और वैसे भी मेरा फर्ज है, मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग है, इज्जत मान है, ओहदा है, सब कुछ है। एक बात बताइए, 24 तारीख को रिजल्ट क्या आएगा मुझे नहीं पता, ठीक है, आपको भी नहीं पता, चलिए मान लेता हूँ कि अगर कामयाब नहीं हुई तो वो पकड़ लेंगी वो जो 85 लाख का पैकेज छोड़ करके आई हैं, वो इंतजार कर रहा होगा कि नौक्षम लौटे हैं तो फिर से वो हाजिर है। नहीं, अब तो नहीं, अब नहीं, अब नहीं, अब वो वक्त चले गए हैं जब मैं सोच सकती थी दोबारा, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था कि मैं विदेश से लौटना नहीं चाहती थी। अच्छा। एक वक्त वो भी था, मेरे पिताजी ही चाहते थे मैं यहाँ आके कुछ काम करूँ, मेरे, क्योंकि मेरे कोई भाई बहन नहीं है, अकेली हूँ मैं, अकेली इकलौती हूँ, तो मेरे दोनों वालदेन चाहते थे मैं वापस आ जाऊँ, कभी उनको उदास भी हो जाते थे, तब मैं विदेश से कभी लौटना नहीं चाहती थी। आज जब इतना बड़ा मैंने मन बनाया है तो अब विदेश वैसे चली जाऊंगी, पर रिहाइश के लिए नहीं जाऊंगी। जाएंगी तो मौसी को लेकर जाएंगी? साथ जाते हो? अच्छा। साथ जाते हैं जी, मैं पहले ही साथ जाती हूँ, मैं हम तीनों साथ जाते हैं। मतलब मौसी मामा भी साथ में, दो दोस्त बैठे हुए हैं? हाँ, मेरे दो दोस्त मित्र हैं, हम वो भी, वो थोड़े सख्त हैं, जो उधर बैठे हैं वो सख्त हैं, चेहरे से थोड़ा सख्त लग रहे हैं, कैमरा चेहरे की ओर जाए एक बार जरा,
दाढ़ी शेविंग उन्होंने की और सख्त लग रहे हैं इस समय। बड़े भाई हैं इधर, वो थोड़े सख्त हो जाते हैं, इधर मैं नरम कर लेती हूँ। आपकी ये तमन्ना नहीं है कि नौक्षम दोबारा जाए वो दुनिया, वो शानदार आलीशान बड़ी बड़ी इमारतें, वो चमचमाती सड़कें? अब तो बस प्रण कर लिया है कि बस अपने इलाके का सुधार करना है और इनकी सेवा करनी है। आखिरी कुछ सवाल बताइए कि क्या लग रहा है आपको अभी जो आप चुनाव अभी तक देख रहे हैं, मुश्किल क्या आ रही है? बल्कि मुश्किल समझाइए, अच्छा आसानी बता दी नौक्षम ने। मुश्किल कुछ नहीं आ रही है, उसको भारी समर्थन मिल रहा है और हम निश्चित तौर पे जीतेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा इस राजनीति से हट के एक मिनट टाइम आपका लूंगा, इस पॉलिटिक्स के अलावा नौक्षम अपना क्या आपका रुझान है? जो एक चूँकि आप से मेरी ये बात इंटरव्यू के पहले हो रही थी, तो आपने बताया कि मेवात की एक कल्चर है, संस्कृति है, उससे आप काफ़ी जुड़ी हुई हैं, तो कुछ गीत संगीत वगैरह में या कुछ और भी कोई रुझान है आप? हाँ, गीत संगीत में भी है, गज़लों में भी है, शायरी में भी है, पोइट्री में भी है, किताब। साफ उर्दू जुबान है, शायरी में होगा ही होगा, तो कुछ दर्शकों के लिए? अभी तो कोई भी, फैज साहब, फिराक साहब, अहमद फराज साहब, परवीन शाकिर साहिबा, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, अभी इस वक्त तो कुछ नहीं। जिस दिन दीपावली की खुशियाँ दूंगी आपको, एक बार दोबारा निमंत्रण दूंगी, आप और हम बैठ के एक दोबारा शायरी का अगला जो है पूरा मजा शायरी पर ही लगेगा जी। अब दीपावली मनाएंगे और साथ साथ अगर परमात्मा की मेहर रही, अल्लाह का इतना नवाज दिया, तो कुछ और खुशियां भी मनाएंगे, आपका भी मुंह मीठा कराएंगे। और चीज और आपको जो आपका पूरा पहनावा है, इसको देख करके कोई ये अंदाज नहीं लगा सकता है कि आप जो है किस कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं? एक जनरल सी बात आपसे पूछ रहा हूँ, आपको भी लगता होगा आपका जो पहनावा है, जो आपका रहन सहन है? हम दोनों का पहनावा एक जैसा है, नहीं वो पंजाब से हैं, मैं हिंदू सीट से हूँ, हरियाणा से हूँ। मौसी पंजाब से हैं? मौसी मेरे मदर सिख हैं, पंजाब से, कट्टर सिख हैं वो तो। और देखिए कितना सेक्युलर सीट बीजेपी ने दिया है, मैं हिंदू हूँ, मेरे पिताजी, मेरी मदर सिख हैं, मुस्लिम बहुमूल्य कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुझे उतारा है, तो एक सेकुलरिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ तक लिबास की बात है, लिबास जैसा देश ना वैसा भेस भी होना चाहिए। लिबास ये ऐसा नहीं है कोई बना लिया है बहरूपिया, हमारे घर के भी लिबास ऐसे हैं। विपक्ष जो है कुछ और वो तस्वीरें जारी कर रहा है, आपको जानकारी मिली होगी इस बात की? अच्छी बात है, लोगों को ये भी तो पता होना चाहिए हमने किस ऐश और आराम की जिंदगी जी है। हमने इतनी मॉडर्न और फैंसी जिसे कहते हैं ल्यूक्रेटिव जिंदगी जी है, इतने ऐशो आराम की जिंदगी जी है, बड़े बड़े क्या कहते हैं होटल से लेके, बड़े बड़े कंट्रीज से लेके, बड़े बड़े गाड़ियों से लेके, सब बहुत उच्च लेवल की जिंदगी जी है। वो भी एक नसीब है, हमें मौका मिला ये एक्सपीरियंस लेने का विदेशों में, वो भी अपना एक हमारा बहुत, मैं ग्रेटफुल हूँ कि ऐसे भाई मुझे एक मौका मिला कि मैं अपनी इंडिविजुअलिटी को इस तरीके से भी मेरे परिवार के सदस्यों के साथ गुजार सकूं। और आज मैं अपने इलाके में हूँ, अपने इलाके में हम पहले भी ऐसे ही आते थे, आज भी आए हैं, अपने इलाके में बैठे हैं ना, अपने इलाके में आप बड़े उमान की इज्जत भी है, मजमों की भी इज्जत है, धर्मों की भी इज्जत है, तो सब। आखिर में ये बता दीजिए कि सबसे फेवरेट खाना होना क्या है नौक्षम का? मौसी है, मौसी तो मासी यानी माँ जैसी मौसी होती है, तो सब कुछ खास आइटम कुछ याद आ रहा? सब कुछ खा लेती है। आप बनाती हैं? ये बनाती बना लेती हैं? विदेश से आती है तो मैं चंडीगढ़ में इसके साथ ही रहती हूँ, चंडीगढ़ में मैं ही बनाती हूँ। अच्छा, ये खुद भी बना लेती है? खुद भी बना लेती है, बाहर अकेली रहती है, वहाँ तो खाना बनाना ही पड़ता खुद ही। मेरे साथ 6 लोगों की टीम रहती है, मीडिया वाले अलग हैं, फ़ोन वाले अलग हैं, सिक्योरिटी वाले अलग, किसी को आधी रोटी मिलती है, किसी को चावल मिल गया, किसी को नमक मिल गया, ऐसे ही चल रहा है। मैकडॉनल्ड्स पिज़्ज़ा वाला चक्कर नहीं है वो, तो सब्वे वगैरह नहीं है वो हमें पता नहीं है। जिसको आधी रोटी मिल गई, कोई आधी खा रहा है, कोई पूरी खा रहा है, कोई चावल खा रहा है, कोई सब्जी खा रहा है, कई बार नहीं भी मिलती, 5 दिन तो मिली ही नहीं, जब तक आते थे तब तक थक जाते थे, फिर दोबारा जाते। देखिए चूंकि ये नौक्षम विदेशों में रहकर के आई, इसलिए इस इंटरव्यू खत्म करूंगा मैं। एक बहुत बड़े लेखक हुए हैं काफ्का, जो कि बहुत ही चर्चित हैं। काफ्का की एक कहानी ट्रांसफॉर्मेशन, जो ये बताती है कैसे कायांतरण होता है, कैसे पूरी दुनिया बदल जाती है। नौक्षम इस समय उसी ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि कायांतरण की, रूपांतरण की प्रक्रिया से गुजर रही हैं, एक दुनिया छोड़ के आई हैं, दूसरी दुनिया में पैर जमा रही हैं, और कोशिश इस बात की है कि ये पैर जो हैं ये बहुत ही गहराई से यहाँ पर जम सकें। मेवात के पुराना में हुक्का इस समय गर्म है,
हमारे साथ में चौधरी इलियास साहब हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं और इस समय जो कैंपेन चल रहा है उसमें गांव-गांव में जा कर के प्रचार कर रहे हैं। देखिए बड़ा सही माहौल है, आप बैठे हैं, सामने हुक्का बैठा है, आपके समर्थक बैठे हुए हैं, एकदम गर्म हुक्का है। चुनाव कैसा है? चुनाव भी गर्म है? हाँ बिल्कुल, आप देख ही रहे हैं। ज्यादा गर्म क्या है, हुक्का या चुनाव? इस वक्त तो बल्कि चुनाव ही ज्यादा गर्म है। लोगों में बड़ा जोश है, साथियों में, तो इसलिए माहौल चुनाव का ही ज्यादा गर्म है। हुक्का तो गर्म हमेशा ही रहता है। मेरे वालिद साहब ने 67 में यहाँ पहला इलेक्शन लड़ा था और बाकी जो यहाँ के उम्मीदवार रहा करते थे उन पर सरकार का, कांग्रेस पार्टी का और दूसरी पार्टियों का टिकट रहा करता था। मेरे वालिद साहब ने अपनी लाइफ में 3 असेंबली इलेक्शन लड़े, 67 में, 82 में और 72 में, आजाद लड़ा और पैसा भी लोग देते थे, वोट भी वही देते थे। मेरा बाप 2 दफा मिनिस्टर रहा हरियाणा में, मेंबर पार्लियामेंट रहा, मैं 2 दफा मिनिस्टर रहा, MLA 3 दफा रहा और इंशाल्लाह आपकी दुआओं से, इन साथियों के सहयोग से मैं 4 दफा यहाँ चौका लगाने जा रहा हूँ। जानते हैं अमेरिका से आई है, अमेरिका ही वापस 24 के बाद ही चली जाएगी। ये कैसे कह दिया आपने? ये तो भविष्यवाणी हो गई। ये इसलिए कह दिया ना कि वो हार कर वही जाएगी, क्या करेगी हार करो। अच्छा, जीतने वाले तो है नहीं, जो हारते हैं अमेरिका जाते हैं सब। नहीं अमेरिका नहीं जाते, वो अमेरिका से आई इसलिए वो अमेरिका जाएगी, ये पक्का है एकदम, 1000%। लेकिन हमने तो ये सुना है कि आप अपनी ओर से दुआएं भी दे रहे हैं, कह रहे हैं मेरी बेटी की तरह मैं दुआएं दे रहा हूँ। मैं को जीतने की थोड़ी दे रहा हूँ। मेवात के इलाके में ये जानना बहुत जरूरी है कि जो ट्रैक्टर पर बैठा हुआ किसान है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, और इसीलिए हम इस ट्रैक्टर पर बैठे हुए हैं। ट्रैक्टर बड़ा जोरदार है, नया खरीदा है क्या? हाँ जी नया खरीदा है। हाँ बिल्कुल नया खरीदा है जमींदार के लिए, लेकिन जमींदार हम क्या करा, ये सरकार ऐसे चलने ही नहीं दे रही है। सरकार क्या नुकसान कर रही है भाई? नुकसान डीजल महंगा कर रखा है, कोई व्यवस्था नहीं है, नहीं तो जमींदार में कहीं इधर नहर है, नाला है, कुछ नहीं। किसको वोट दोगे भाई तुम? कांग्रेस। कांग्रेस ने क्या अच्छा किया है? कांग्रेस बढ़िया सरकार है, बढ़िया सरकार कांग्रेस। और मोदी सरकार? मोदी सरकार बेकार, बेकार है। मेवात में 80% से ऊपर मुसलमान हैं, इसलिए बड़ा जरूरी है ये जानना कि मुसलमानों के जहन में क्या चल रहा है। ये है मेवात में पुन्हाना का बस अड्डा, मिस्र रोमा समिट गए जहाँ से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। वैसे ही है ना सब? हाँ सब ऐसे, बिल्कुल अलग 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 अलग। मेवात में 80% ज्यादा यहाँ पर मुसलमान हैं। ये कहा जाता है कि मुसलमान जिधर वोट देंगे उधर ही विधायक बनेगा, इनकलाब उधर ही होगा, तो किधर वोट जा रहा है? अब की बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ इस पूरे क्षेत्र में माहौल है और भाजपा की तरफ वोट जा रहा है। ऐसा क्या कर दिया भाजपा ने जो वोट जा रहा है अचानक? ऐसा भाजपा की बात नहीं है, बात ये कि लड़की जो नौक्षम है ये हमारी बेटी है, पढ़ी लिखी है, अच्छी है और सेकुलर माइंड की है, इसका दिमाग और दिल सिर्फ विकास। आपका वोट नौक्षम को जा रहा है? नौक्षम को जा रहा है। जी जी। और चाचा का वोट? ये हमारे जो विधायक हैं पहले बने होड़े हैं, रईस खान, इलियास, इन इलाके को कुछ नहीं किया, यासु पब्लिक दुखी होर, हम बीजेपी की लोक क्षम को वोट दे रहे हैं। ये लड़की पढ़ी लिखी है, बीजेपी को नहीं लड़की को देख रहे हैं, लड़की को देख रहे हैं हम। हाँ। कि लड़की पढ़ी लिखी है, 8-10 जवान आती है बाहर से पढ़ के आई है। हाँ। गांव की हमारे की है, हम वही कैंप है में खेड़े के। हाँ। ऐसे नहीं है हमारे गांव की यही रहा, सब कुछ यहाँ माँ बाप यही रहते हैं। लेवल है ना, मुस्लिम लेवल है, इंसानियत का एक अच्छा लेवल है, बस इंसानियत का नाता है। और हमारे यहाँ एक दस्तूर भी है, यहाँ के मुस्लिमों का एक दस्तूर भी है कि बेटी किसी की भी हो वो सबकी है, वो सबकी बेटी है, ईमानदारी से जहाँ लग गए ठीक है वही रहेंगे। ऐसा नहीं आज यहाँ है कल वहाँ, बिकने वाला क्या होगा? हुड्डा का, राहुल गांधी का क्या होगा, बिश्नोई का, इन लोगों का क्या होगा? फिर देखो विदेश चले जाएंगे छोड़ के, विदेश से आई है, एक विदेश चले जाएंगे, फिर दोबारा जाएंगे, बहुत दिन हो गए नहीं। वो विदेश से आई है, विदेश चले, पार्टी खत्म हो जाएगी। अच्छा। हाँ पार्टी रहेगी नहीं है, ये झूठी पार्टी है, इसमें कोई नौकरी नहीं। भविष्यवाणी कर रहे हैं ये? बिल्कुल सही कर रहे हैं। अच्छा। हाँ बिल्कुल, समर्थन है आपका? हाँ समर्थन है पूरा, पुरानी दोस्ती है आपकी। भाई बीजेपी ने हमारा ISI अफसर लगा दिया और किसी ने लगाई नहीं आज तक, इससे बढ़िया सरकार हमें कौन मिलेगी ये बताओ ना।
ये देखिए, ये सब यहाँ पुनहाना के स्थानीय लोग हैं, अलग अलग तरह के तर्क दे रहे हैं। इनके आंखों में बहुत सारी उम्मीदें हैं। ये कह रहे हैं कुछ नया होगा, कुछ नया बदलेगा, क्या होगा इसका इंतज़ार करना होगा। लेकिन ये चुनाव बेहद ही दिलचस्प हो चुका है, इसमें दो राय नहीं है।